कलम लोगों ने इकोनॉमिक्स के कुछ पार्ट को पढ़ लिया। इकोनॉमिक्स पढ़ा था कुछ कल? हाँ, इकोनॉमिक्स का एक टर्म और बचा है, वो अगर आज खत्म कर देंगे तो पूरी इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप सभी को एक किताब ले लीजिएगा बाजार से, और जो ऑनलाइन है उनको पूरी नोट्स में दे दूंगा और नोट्स उन लोगों को मिल जाएगा। और बाकी लोग आप मार्केट से बता देंगे, आप लोग किताबें ले लीजिए इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की किताब के लिए एक नोशन ले लीजिएगा, दूसरी किताब, उसमें इकोनॉमिक्स दिया हुआ है जी जी के, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। और जो ऑनलाइन जिनको नोट चाहिए उनको मैं अलग से अपना बनाया 3 पेज का, वो मिल जाएगा, मतलब 3 पेज का। और जो और लोग हैं उनको, या जो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए हैं उनको मिल जाएगा। आप लोग नोशन ले लीजिएगा, बाकी मैं समझा दे रहा हूँ। एक टर्म आता है इकोनॉमिक्स का GDP। ये GDP क्या होता है? क्योंकि इकोनॉमिक्स की ये सबसे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ज्यादा परीक्षाओं में पूछता है, आपके यूपी में एक दो बार पूछ चुका है, और ये BTC के सिलेबस में। तो GDP का जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। ये सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। सकल घरेलू उत्पाद क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, इसकी डिफिनेशन होती है, नोट्स तो आप लोग को मिलेगा, इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स हम नहीं बनाएंगे। लिखिएगा GDP में डाल के लिखिए, किसी भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में पूछता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद किसी भी भौगोलिक सीमा के अंदर, किसी भी भौगोलिक सीमा के अंदर, किसी भी भौगोलिक सीमा के अंदर, किसी एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष में उत्पादित उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, अंतिम मौद्रिक मूल्य GDP क्या है? अंतिम मौद्रिक मूल्य GDP कहलाता है। अब इसको पूरी तरह से डिफाइन कर रहे हैं, एक एक वर्ड को कह रहा है। किसी भी भौगोलिक सीमा के अंदर, अगर हम भारत तो भारत के परिप्रेक्ष्य बात करें, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो किसी भी भौगोलिक सीमा के अंदर, यह पूरा देश हो गया, यह इसकी भौगोलिक सीमा है। इसके अंदर भौगोलिक सीमा माने जोधपुर जिला हुआ जोधपुर का, बनारस हुआ तो पूरे बनारस का, माने किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित एक वित्तीय वर्ष। ये वित्तीय वर्ष क्या होता है, ये भी पूछ लेता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसे क्या कहते हैं? एक वित्तीय वर्ष। किसी भी भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? GDP क्या? ये समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का, वस्तु क्या होती है? वस्तु का मतलब होता है जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीज। वस्तु का मतलब पंखा, बोर्ड, मार्कर, गेहूं, चावल, ब्रेड, टोस्ट, मोबाइल, रिफ्रिजर, गाड़ी खरीदा आपने, ये सारी चीजें क्या होती है, मतलब जितनी भी वस्तु गुड्स परचेज करते हैं उसका अंतिम मौद्रिक। ये अंतिम शब्द क्या है? समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं। वस्तु क्या होती है? वस्तु 3 प्रकार की होती है। एक होती है प्राथमिक वस्तु, ऐसी वस्तुएं जो प्रकृति पदार्थ निःशुल्क उपहार मिलती है, ये भी इकोनॉमिक्स का टर्म है, जो प्रकृति पदार्थ निःशुल्क उपहार मिलती है, जैसे मछली पालन। मछली वास्तव में पालते हैं आप, है, लेकिन वो मछली के प्रजनन करना कौन है? स्वतः है।
मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन से कुक्कुर नहीं कुक्कुट पालन, फिर शेरी कल्चर, जो कल्चर से भी आएंगे भी देखें, क्रांति, भूरी क्रांति, दूसर क्रांति, ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं आपके? प्रकृति पतन, कृषि करना, खेती करते हैं, आज गए बीज छीट दिए, कुछ दिन बड़े बड़े पेड़ निकल गए, तो आपको लगता है खेती मैंने किया, लेकिन वो प्रकृति पतन निःशुल्क उपहार है। बागवानी करना, वृक्षारोपण करना, पेड़ लगाना, मुर्गी पालन, ठीक, ये जितने भी मतलब जो चीजें आप में केवल आप उसकी देखभाल करते हैं और प्रकृति से निःशुल्क प्राप्त है, खनिज संसाधन, पेट्रोलियम ईंधन, जो प्रकृति से क्या होते हैं निःशुल्क मिलते हैं, बेशक आपको उसके लिए पेमेंट करना होता है, लेकिन प्रकृति आपसे पेमेंट नहीं लेती। सोना निकालते हैं जमीन से पेमेंट लगता है, लेकिन आप तक पहुंचने के लिए पेमेंट देना, जमीन आपसे नहीं पेमेंट लेती, लोहा जमीन से एकदम पेमेंट नहीं लेती, लेकिन उसके बाद प्रक्रिया जो होती है उसका हमें पेमेंट देना। ऑक्सीजन आप लेते हैं यहाँ से पेमेंट नहीं देना होता, डॉक्टर कैसे लेते हैं तो पेमेंट देना होता। तो ये सब निःशुल्क पद्धति उपहार है, इन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक वस्तुएं कहते हैं। ठीक, फिर आता द्वितीय। द्वितीय क्या होता है? इन्हीं का जब विनिर्माण करके या उसमें कुछ और चीजें लगा के, कोई और उसका प्रयोग करके जब में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है तो विनिर्माण। वास्तव में आपके दृष्टिकोण से या हमारे दृष्टिकोण से विनिर्माण का मतलब होता है मशीनरी सामान, घड़ी बना, मोबाइल बना, कि मोबाइल बनने में कितने पार्ट लगते हैं, कोई एक चीज नहीं लगा, कहीं से कुछ आया, कहीं से कुछ आया, तब जाके बना। नट, ये स्टैंड, ये क्या है? विनिर्माण है। अब जैसे आलू खूब हो जाए तो कोई आलू नहीं खाता, लोग करते क्या है, पापड़ बना दीजिए, पापड़ खा लीजिए। अब पापड़ बनाने के लिए उसे क्या होगा? पहले मशीन में पीसना होगा, फिर पता नहीं क्या करके तब फिर सुखाना होगा, तब जाके आपका पापड़ तैयार। तो पापड़ की तरफ से देखा जाए तो आलू प्रकृति पदार्थ हो गया, पापड़ गेहूं प्रकृति पदार्थ ब्रेड। तो कहीं न कहीं विनिर्माण का मतलब है उसमें क्या करना, थोड़ा बहुत, और किसके द्वारा? इसी वस्तु पदार्थ या मनुष्य द्वारा। रबड़ निकला, प्राकृतिक रबड़, टायर बन गया, विनिर्माण। समझ आपको? फिर आता है सेवा। ये सेवा क्षेत्र क्या होता है? ये ऐसा क्षेत्र होता है, पहले अब तो नए इकोनॉमिक से पांच पार्टे बांटते हैं, पुराने इकोनॉमिक बता रहे। तो सेवा क्षेत्र ये दिखता नहीं, इसका परिणाम तो परिणाम पता चलता है लेकिन इसमें दिखता नहीं। जैसे आपने मछली पालन किया, 400 क्विंटल बेच से पैसा कमाया, ठीक, आप ब्रेड लिया इनसे, सोना खरीदा आपने सोनी जी से, आप इनका पेमेंट किया, आपको क्या मिला? सोना मिल गया, बेसा के इसमें मिला रहे कुछ 24 घंटे का मोहन लगा के देते हैं। तो लेकिन सेवा क्षेत्र में होता है जैसे यातायात, परिवहन। परिवहन क्या होता है? आपको जाना है यहाँ से आजमगढ़, बस से बैठ जाइए, तो बस से भैया आपको कुछ मिला? सेवा क्षेत्र क्या है? हवाई जहाज से बैठ गए, फिर उतर गए, बैठ गए, फिर पहुंच गए मुंबई, मुंबई पहुंच गए, और गए सऊदी अरब, बुर्ज खलीफा, ऊपरी मंजिल में सबसे चाय बैठ के पी रहे हैं। हाँ ठीक है, तो ये क्या है? ये सेवा क्षेत्र। आप उनसे पढ़ने आए, कई किलो पड़े से क्या लीटर क्या मीटर, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। डॉक्टर पास गए, क्या हुआ है? बुखार है, ठीक 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 ठीक, 500 रुपये सेवा क्षेत्र। देखा बस आपको जी देखा, हाथ पकड़ लिया, 500 फीस सेवा, दवा ली, दवा गलत हो, सेवा क्षेत्र। तो इन सभी का अब क्या करा है? किसी भी भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, ये अंतिम मौद्रिक मूल्य कौन सा बल आ गई? अब समझ आ रहा है? जैसे आप दुकानदार के पास गए, सुबह आपको जाना था पेन लेने, पेन की दाम थी 15 रुपया, MRP 15, इसमें RS लिखा होता है, MRP 15 रुपया थी, आपने 15 रुपया, ये इसका अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है, अंतिम मौद्रिक मूल्य। अब अंतिम मौद्रिक मूल्य भी दो प्रकार का होता है, ठीक, कैसे होता है? जैसे किसी भी वस्तु कोई गुड्स जब कंपनी से बनकर तैयार होती है, उसके दो दाम होते, एक होता है GDP FC, एक होता है GDP MC। ये GDP FC का मतलब होता है GDP फैक्टर कॉस्ट,
पहले फैक्ट्री का कास्ट, ये होता है मार्केट कास्ट। अब जैसे अगर ये पेन 15 रुपए का है, अगर कंपनी बना के जब कंपनी इसको बना देती है तो इसका दाम पड़ा मान लीजिए 11 रुपए। इसका अंतिम प्रतिकूल कंपनी कितना निकाली, डिस्पैच कितने करी, 11 रुपए में। लेकिन वो वहां से चलते चलते कंपनी निकलने के बाद सीधे अकाउंट में नहीं आती, वहां से आती है डिस्ट्रीब्यूटर के। पहले कंपनी से गोदाम से निकलेगी, डिस्ट्रीब्यूटर के डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिस्ट्रीब्यूटर 1 रुपए लेगा, फिर क्या देगा, सेलर को देगा। पहले वहां से डिस्ट्रीब्यूटर अपने सेलर को देगा, फिर सेलर से दुकान तक जाएगा, एक वो दुकानदार के पास पहुंचा 13 में, फिर दुकानदार 2 रुपए लेके 15 में बेचेगा। इसकी दो प्राइमिंग, एक तो फैक्ट्री कास्ट, दूसरा मार्केट कास्ट। मार्केट में 15 की थी, फिर फैक्ट्री से 11 रुपए डिस्पैच हुई। बस मैं आपको, तो जीडीपी तो होती है, इसका अगर अंतिम मौद्रिक मूल्य की बात करेंगे तो प्रश्न उठता है किस मौद्रिक मूल्य की बात। लेकिन अगर आपको नहीं बताया जा रहा है, हमेशा किसकी बात करते हैं, मार्केट कास्ट की। इसकी बात करते हैं, मार्केट कास्ट की हम बात। अब अंतिम मौद्रिक मूल्य के बारे में देखिए लफड़ा घास हो जाता है। जैसे अभी सब अध्यापक होने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे आप लोग, सैलरी पाने की, दूसरी तीन सैलरी पाने के बाद या नहीं पाएंगे तो पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप करेंगे क्या, स्कूटी क्या लेंगे? अरे पढ़ाने कैसे चाहिएगा, बाकायदा झूठे बता दी कुछ, पहले स्कूटी लीजिए, उधार भी मिल जाएगा भाई, क्रेडिट बन जाएगी, स्टाइन हो गई है, आप पढ़ लीजिएगा स्कूटी। आप स्कूटी लीजिएगा तो पहले जो तनख्वाह मिलती रही नहीं रहेगी, इधर उधर से करके लीजिएगा तो जाके क्या देखिएगा इसकी एवरेज कितनी है, ठीक, ये चलती कम कहेंगे जो सस्ता वाला स्कूटी दे दीजिए, तो ले लिए मान लीजिए कोई 65,000 रुपए वाली। फिर कुछ देर बाद पता चला स्कूटी सही नहीं चल रही, सही एक्टिवा लेनी है 71,500 की, ठीक। अगर आपको एक्टिवा लेने की जब उनकी चली तो क्या करेंगे आप, बेचेंगे तो ग्राहक खोजेंगे। अब आपने जब लिया था तो 65,000 रुपए इसका अंतिम मूल्य दिया था, ध्यान दीजिएगा, आपने इसका 65,000 रुपए अंतिम मूल्य दिया था। अब पता चला कि इन्होंने खरीद के इनको बेच दिया, या इन्होंने, हम बेरोजगार था, बेरोजगार को बेच दिया सस्ते में, तो इन्होंने बेचा 40,000 रुपए। अब फिर ये जाके दूसरी स्कूटी लिए 71,000 रुपए की, तो ये 71,000 रुपए अंतिम मौद्रिक मूल्य हो गया। ये पैसा क्या होता है, फ्लैट मनी। अब ये कहां जोड़ेंगे, ये पैसा कहां जुड़ेगा, तो जीडीपी को काउंटिंग करने में ये समस्या आती है। मैंने 15,000 रुपए मोबाइल ले ली, ठीक, मैंने 15,000 मोबाइल खरीद लिया, खरीदने के बाद इनको बेचा 12,000 को, तो अंतिम मूल्य 15,000, 12 27,000, कुछ 8,000 बेचा 35,000, 6,000 बेचा 41,000, तो उसी 15,000 के मूल्य का कितना अंतिम मौद्रिक मूल्य निकल गया, 41,000 रुपया, ठीक। ये समस्या उत्पन्न हुई भाई, कई कोई वस्तु कई बार बिकती है, जब कई बार बिकेगी हर बार उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य जुड़ेगा। इसको भी निपटाने करने के लिए कुछ और विधि लगाई गई। अब क्या होगा देखिए, अब जैसे जीडीपी क्या होता है, अगर जब कोई वस्तु हम उपभोग करने के लिए ले लेते हैं वही उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य। जैसे यहाँ खेत तक, खेत से तैयार हो गया गेहूं तैयार हो गया, अब यहां से गेहूं किसान ले गया घर पे, पिसवाया आटा और खा गया, अंतिम मौद्रिक मूल्य। लेकिन अब इसे हम लोग क्या, खेत नहीं लाया, हमको बेचा मालिए, बेचा 15 रुपए किलो, हमने पिसवाया खुद खाए, इसका अंतिम मौद्रिक मूल्य 15। आप थे व्यापारी, आप बेच दिए इतने 15 में, आप ले गए मार्केट में बेचा कितने में, 17 रुपए में, 70 इतना नहीं कमाते गेहूं, नहीं कमाते 17 रुपया अंतिम मौद्रिक मूल्य 17। अब पर नहीं हुआ, अब ये भी क्या हुआ, इस मंडी में आया कौन, पार्ले वाली कंपनी, वो यहाँ से लिया उसने, क्या यहाँ चक्की वाले ले गया 18 में, इसने पिसवाया आटा, आटा दो जगह गया, एक बिस्किट कंपनी ले गई बिस्किट बनाएंगे, एक ले गई ब्रेड बनाएंगे, ब्रेड की बात अलग, बिस्किट की बात इसी आटे से। अब इसका अंतिम मौद्रिक मूल्य कब होगा, अब अगर यही आटा ले जाके ब्रेड पकौड़े वाले ने ब्रेड बनाया, अगर आप उसका उपभोग कर लिया अंतिम मौद्रिक, लेकिन ये ब्रेड बना, अब ब्रेड बनने के बाद क्या होगा, कंपनी, कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से सेलर, सेलर से फिर आपके हाथ, तो उस आटे का मूल्य कब मिलेगा आपको, जब आपके हाथ तक पहुंचेगा।
तो इसका अंतिम मौद्रिक मूल जब कोई वस्तु उपभोग करने के लिए ली जाए वह उसका अंतिम मौद्रिक। ऐसे आपने लिया, जैसे आप जोधपुर जा रहे हैं कहीं यार कुछ सामान लेते जाएगा, अगर 80 रुपए ले अपने 100 रुपए बेचे तो अंतिम मौद्रिक मूल माने जब तक उसे उपभोग कर लिया जाए उसका वही अंतिम मौद्रिक मूल्य उपभोग करने लिए। समझ आ गया अंतिम मौद्रिक मूल्य। अब जैसे आप अध्यापक हो गए, अध्यापक हो गए आप लोग, खूब बढ़िया से पहले घर बनवाया ना, खूब बढ़िया पेंटिंग वेंटिंग करवा दिया, अचानक आपकी 40,000 रुपए तनख्वाह आ गई, आप बैठे थे आपका पंखा खराब, क्या हो गया? पंखा खराब हो गया। तुरंत आपने फोन किया, मिस्त्री आया, पंखा ठीक के कहा 200 रुपए मैडम जी, आपने 200 रुपए दे दिया। जब 200 रुपए आपने दे दिया उस गैस का दाम दे दिया, क्या किया? अब ये अंतिम मौद्रिक मूल्य कहां जुड़ेगा? दारू में। अब बताइए, आपने सरकार के बैंक अकाउंट से निकाला 40,000, उसमें से 200 दिया, एक बार आप में जुड़ा, एक बार दारू में जुड़ा, तो जीडीपी क्या हो जाएगी? तो ये सब समस्याएं हैं, ये आपके लिए नहीं है, हम जैसे लोग के लिए जो इसमें ज्यादा पढ़ते हैं। बस आप लोग कितना जानना है जीडीपी क्या होती है, किसी वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है वही होती है जीडीपी। इसकी गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक टर्म फंस गया, किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? वह चाहे भारतीय द्वारा, भारत के परिप्रेक्ष्य बात करें, चाहे भारत द्वारा बनाया जाए, चाहे विदेशी द्वारा, अगर इस सीमा के अंदर है, अगर इस सीमा के अंदर अगर है तो क्या कहलाएगा? वो जीडीपी कहलाएगा। पता चला यहाँ पे एडिडास, गुरु जी एडिडास कंपनी आ गई, एडिडास कंपनी ने क्या किया? मैन्युफैक्चर किया। अब मैन्युफैक्चर करने जब यहाँ पे जो बिकेगा किसके में जुड़ेगी जीडीपी? इंडिया में। कहाँ जुड़ेगी? मतलब अगर सीमा के अंदर है, ध्यान दीजिएगा, अगर सीमा के अंदर कोई भी वस्तु सेवा का उत्पादन हो रहा है तो उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य देश उस देश के जीडीपी में जुड़े। हाँ, फिर अभी आगे बताएंगे, अभी एक टर्म बताए जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, भी कई टर्म है। इन समझ आ गया? यहाँ से कोई समस्या किसी को? जीडीपी जिसको समझ में आ जाएगी चार टर्म समझ में आ जाएगा। जीडीपी समझ में आ गई? पूछे अब, पूछे आप लोग से। अब जीडीपी अगर समझ में आ गई होगी तो बाकी चीजें और आगे थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे तो मजा आएगा। अब एक आता अगला टर्म ये था जीडीपी कॉन्सेप्ट। अब जीडी के बाद आता है एनडीपी, इसका फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये शुद्ध हो जाएगा, वो सकल घरेलू उत्पाद है, ये शुद्ध घरेलू उत्पाद। जीडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या शुद्ध घरेलू, इसके बारे में जान लीजिए। बहुत सरल है, आपको जीडीपी पता है? अब देखिए जीडीपी में क्या था, जैसे आप ट्रायल हो गई, ट्रायल होने के बाद सबसे पहले आपने फॉर्मूला खरीद लिया, क्या लिया? कि भैया आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, बस में जाना पड़ता, समझते हो कि पहले फॉर्मूला ले लिया आपने। अब फॉर्मूला लेने के बाद अब आपने क्या किया, जैसे आपने फॉर्मूला लिया 8 लाख की गाड़ी ले ली, ठीक। अब इस फोर व्हीलर से को आपने कोई कहा मैडम एक दिन किराए पे चाहिए हमको, ठीक है ले जाइए, हम 1200 रुपया लेंगे यहाँ से कहाँ तक का, बनारस तक का। उस व्यक्ति ने आपको 1200 रुपया दिया, अगर उसमें 300 रुपया का तेल जला और 200 रुपया आपने ड्राइवर को दिया, कितना आपको बचा? 700 रुपये। कितना बचा? ये हो गया जीडीपी। क्या हो गया? अंतिम मध्यम जीडीपी हो गया, ठीक। लेकिन मैं कुछ छुपा जो आपको नहीं दिखता, क्या बताएं? टायर घिसा, इंजन घिसा, मोबिल चला, ये दिखा आपको, आपको देख लगा मुझे 300 तेल भरा दिए। आप लोग मस्टाइल होइएगा या मास्टर होइएगा, कोई गाड़ी भर के ले जाता है तेल भरा देंगे, वो ये भूल जाता है। इकोनॉमिक्स बहुत सीखा, आग्रह देता है इकोनॉमिक्स, कितना आग्रह देता है कि वो ये भूल जाता है इंजन घिसा, टायर घिसा, ब्रेक शूज घिसा, मोबिल चला, सर्विस आया, ये सब कोई जोड़ता है, कहीं भी तो तेल भरा दिए, तो उससे घिसावट, डिप्रिसिएशन,
इसे मूल्य ह्रास कहते हैं। एक वर्ष में मूल्य ह्रास, जैसे आपने कोई कंपनी लगा दी, ठीक। अब कोई कंपनी लगाने के बाद उससे कहते हैं अब ये कंपनी से मैं 50,000 रुपए पर महीना कमाता हूँ, लेकिन ये बताइए कंपनी का जो मशीन बिगड़ता भी तो होगा, वो पैसा कहां लगता है? साल भर में जितनी घिसावट निकलती है उसको माइनस कर देने वाले जीडीपी बता है, जीडीपी में से डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब है घिसावट। अगर घिसावट निकाल देंगे तो शुद्ध सकल उत्पाद मिल जाएगा, शुद्ध, ठीक, एनडीपी प्राप्त हो जाएगा। इसका पूरा फॉर्मूला हो जाएगा बराबर एनडीपी, बस जीडीपी में से मूल्य ह्रास घटा दीजिए। अरे कोई सामान खरीदेंगे, आज मोबाइल आप खरीदते हैं नया, जो बेचने जाते हैं पूरा पैसा कहीं नहीं मिलता, यही डिप्रिसिएशन लोग घटा देते हैं। अभी इनकी स्कूटी किसकी बिक रही थी, आपकी किसकी बिक रही थी, 40,000 बिकी, 25,000 क्यों कम हुआ? वही डिप्रिसिएशन, वही मूल्य ह्रास होता है। इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, अगर अकला नहीं है तो अकला आ जाएगी। हाँ नहीं दीजिएगा, समझ आया, समझ आ गया, किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? जीडीपी में तो घिसावट घटा दीजिए, एनडीपी निकल जाएगा, समझ आ गया। अब आते हैं अगला, जीएनपी। अब आएगा क्या? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मूल्यह्रास की डिप्रिसिएशन या घिसावट। घिसावट, अरे आपका चाहे के पास भी गाड़ी है, कोई मांगेगा तो समझ लीजिएगा। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इस सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। जीडीपी तो आपको पता ही है, जीडीपी पता है ना, जीडीपी लिख दिया हमने यहाँ। अब जब यन बीच में आ जाए, याद रखिएगा, यन जब बीच में आ जाए या जब नेशनल शब्द का प्रयोग हो जाए, इसका मतलब राष्ट्रीय। अब भैया अभी तक तो था कि सीमा के अंदर जीडीपी में, चाहे जे बनाए, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लेकिन अब उस देश के नागरिक द्वारा जो उत्पादन किया जाएगा वह क्या होगा, जीएनपी। इस देश का नागरिक मतलब अब भारत में जितने भारत के उत्पादन करें वह होगा, लेकिन भारत में कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो विदेश से आ रहे हैं, काम करते होंगे, ठीक, उनका क्या करेंगे? अब कुछ भारतीय ऐसे होंगे जो विदेश में होंगे, सऊदी अरब, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, कनाडा, अमेरिका, वहां से कमाते हैं, उनका यहाँ जोड़ देंगे। माने इस देश के नागरिक जहां जहां कमाएंगे, जितना कमाएंगे वही क्या होगी, जीएनपी। माने किसी भौगोलिक सीमा हटा देते हैं, माने किसी देश के नागरिकों द्वारा उस देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीएनपी कहलाता है, जबकि उस देश में अन्य विदेशी नागरिकों के जीडीपी को घटाने के बाद। अब जीडीपी में क्या क्या था ध्यान दीजिएगा, अगर जीडीपी में भारतीय और विदेशी दोनों थे, माना भाई गुणित तो है नहीं, ध्यान, माना विदेशी यक्स और भारतीय भारत के परिप्रेक्ष में, तो जो भारत में विदेशी काम करते हैं उनको क्या किया हमने जीडीपी में से, अब हमने क्या दी, इस भौगोलिक सीमा के अंदर जितना उत्पादन होता था जीडीपी था, इसमें से विदेशी का निकाल दिया, किसका बचेगा, लेकिन कुछ भारतीय विदेश में कार्यरत है, ठीक, उनको हमने जोड़ दिया, बराबर क्या हो गया, निकल गया फार्मूला, सूत्र बन गया, ये फिर से बता दे। चलिए समझ आया, आ गया ना। अरे भारतीय जितना भी उत्पादन करेंगे, चाहे जहां रहे, चाहे मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, सऊदी अरबिया, चाहे जहां रहे, जितना कमा के लाएंगे एक साल के अंदर, और अंतिम मौद्रिक मूल सब क्या है, जीएनपी, ठीक। हाँ
अब इसी में आएगा एंड एंड, क्या आएगा NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? हाँ हाँ, अरे कोई बहुत तेज हो गया तो ऐसे पूछते हैं मुझे, ये था जीएनपी माइनस मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन। मूल्यह्रास या गिरावट बराबर एनएनपी। माने अगर जीएनपी में से मूल्यह्रास या गिरावट घटा देंगे क्या मिलेगा? एनएनपी प्राप्त हो जाएगा। गिरावट क्या है? अरे घिस जाएगा, जो एक साल की इतनी घिसावट आई। अब आप लोग बेंच पे बैठे हैं, टूटेगा सदरा थोड़ी ने, अरे बेंच टूटेगा, आप घुन दिमाग लग जाएगा इसमें। एक साल में जितना कोचिंग में नुकसान होगा वो सभी क्या होगा? डीडीसीएसआर को घटा देंगे अपने लाभ में से। ठीक, तब क्या निकलेगा? जब यानी बीच में आ जाए तो राष्ट्रीय की बात करता है, और जब यानी पहले आ जाए, जब यन पहले निकल आ जाए तो मतलब मूल्यह्रास घटाना। तो ये सारे फैक्टर आपको समझ में आ गए, हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पुनः एक बार क्विक रिवीजन कर लेते, इसको साफ करते हैं अगर आज्ञा हो सकती है। चलिए अब इससे एक टर्म ऑफ कर लेते हैं, फिर हम पहले लोगों ने पढ़ा GDP, आपने बताया, बता दीजिए आप अच्छे से, बताने के लिए बता रहे हैं। GDP किसे कहते हैं? हाँ आप ही बताए, कोई बता दे। ठीक, जो कल उत्पादित हो, जो परसों वाला, कल वाला परसों वाला, एक वित्तीय वर्ष। हाँ ये मत करिए गलत हो जाएगा, माने किसी भी वित्तीय वर्ष या एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य GDP। फिर हमने क्या लिखा? NDP बराबर GDP माइनस मूल्यह्रास। फिर हमने क्या पढ़ा? GNP। तो क्या पढ़ा इसमें? GDP माइनस यस प्लस क्या, जहां यस बराबर विदेशी, यम बराबर भारतीय, जो कार्य वही। अब NNP, तो GNP माइनस मूल्य सब्जेक्ट IAS वाले पढ़ते इसीलिए होते ना जलवान हो जाते हैं, तरह बता देते हैं इतिहास भूगोल और साथ ये चार भी दिमागदार हो जाते हैं। अगर खुल जाती है कब साइकिल देना है कब नहीं देना है। समझ आ गया? ये भी सिखा देता है उधार कब देना, कल आप लोगों ने पढ़ा था ना उधार कब देना, ये भी सिखा देता है कब उधार देना चाहिए, याद रखिए आप लोग भी। हो गया याद है ना? बताए अब एक होता है, आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय, एक होता है प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है? राष्ट्रीय आय और एक होता है प्रति व्यक्ति आय। हाउस क्या नाम है? राष्ट्रीय आय क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? हाँ ये प्रति व्यक्ति या प्रति मनई आय क्या होती है? प्रति मनई आय किसे कहते हैं आप बताइए?
एक व्यक्ति का, जैसे मैं इस समय 2000 रुपये महीना कमा रहा हूं, तो मेरी आय क्या हो गई? उससे ज्यादा कहा आप लोग कहाँ दे रहे हैं? हाँ बताए, ये प्रतिमा नहीं आय क्या होती है, इसे कहते हैं ना, एक हो गया प्रति व्यक्ति आय, एक होगा राष्ट्रीय आय। बताइए दोनों। तो कितना आएगा? चलिए हाँ सही बता रहे आपको, ये सब तो कुछ चीजें ऐसी जो हम आप जानते हैं। जैसे ये राष्ट्रीय आय क्या होती है, आप लोगों ने सुना होगा, मोदी जी का भाषण बड़ा अच्छा भी लगता है, 125 करोड़ देशवासी भाइयों एवं बहनों, माने 125 करोड़ भारतीयों द्वारा, एक देशवासियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जो कुल इनकम होता है, जितनी कुल इनकम होती है उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। उसके ऊपर प्रति व्यक्ति आय। अब आपके घर में 5 लोग हैं और आपके पापा मान लीजिए मास्टर है जूनियर के, अब पा रहे हैं 68,000 रुपया महीना, और 4 लोग हैं, प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी? 4 लोग हैं 68,000 पा रहे, कितना? 68,000। 4 लोग हैं कितना है प्रति व्यक्ति आय? 17,000 रुपया है, कितना है? 17,000 रुपया। ठीक, तो इसमें देख लीजिए, अब क्या किया, कुल आय में किससे भाग दिया? परिवार को सदस्य, माने कुल आय में, सिंपल तरीका है, कुल आय में, कुल राष्ट्रीय आय में यदि हम क्या कर देते हैं, जनसंख्या से भाग दे देंगे, क्या निकल जाएगा? प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। तो एकदम लीजिए, अब आते हैं सब्सिडी के पास और टैक्स के पास। इसको समझाने के लिए 2 चीजें और आएगी, टैक्स और सब्सिडी। ये टैक्स क्या होता है, सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी नाम सुना है? जैसे हम जैसे गरीबों को सरकार सब्सिडी देती है, कैसे देती है ना? अरे सबको नहीं देती, आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोगों को नहीं मिलता, गरीब वालों को मिलता है, उज्ज्वला योजना का लाभ। तो सब्सिडी किस खेत की मूल्य, मतलब ये सब्सिडी क्या है? अनुदान। और तरुण जी बताइए, ये सब्सिडी मिलता आपको? सब्सिडी आज तक नहीं मिला हमको, तो मिलता है लेकिन भुला है क्या करूं? आप बताइए ये सब्सिडी क्या होती है, सुना है कभी नाम की नहीं? सब्सिडी है, सब्सिडी कहते हैं किसी जैसे आप सहायक अध्यापक में सुन लीजिए, फरवरी महीना में आपका वेतन कट जाएगा और फिर हम जैसे लोग को पकड़ के क्या लगाइएगा, अपना वो लगाइएगा, फिर पैसा वापस आपका गवर्नमेंट वापस करेगी, तो क्या हो गया? सब्सिडी हुआ, तब क्या हुआ? सब्सिडी। हाँ बताइए, हाँ आप बताइए सब्सिडी। अरे सब्सिडी, अरे इतना दिन सब्सिडी सब्सिडी सुनते आ रहे हैं, अब नहीं कर पा रहे। सब्सिडी लागत मूल्य पे जो सरकार जो है सामान्यता छूट देती है, सब्सिडी कहते हैं। जैसे डाई यूरिया पे सरकार की लागत, अभी तक कुछ लोग का दिमाग कहाँ लगता, गैस लगता, अब डाई यूरिया पाएगा, अब ये दिमाग भी आएगा, किरासी तेल। अब हम जानते हैं एक होती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसकी शुरुआत फिरोज सत्तमगर ने की थी, इसे कहते हैं कोटा। आप लोग कोटा दो होता है, तीन होता है, कोटा भी तो तीन होता है, एक कोटा होता है कौन सा, जिसे कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो मिट्टी का तेल लेने जाते हैं उसमें भी सब्सिडी मिलती है, चीनी भी मिलती है, गेहूं चावल भी मिलती है। सब्सिडी क्या है भैया? सब्सिडी मिलने वाला जो लाभ है, वही सब्सिडी। हाँ भैया बताइए सब्सिडी क्या,
लगे पड़ोसी कम में देती सब्सिडी है, सबको देना चाहिए, सबको तो नहीं देती ना सर। कंपनी का जैसे सर हम बता रहे हैं, जैसे आते मुद्दे छोड़िए, हमें कम से बाकार मुद्दे जैसे सर कंपनी सरकार उसका सरकार किसी भी वस्तु सेवा सरकार किसी भी वस्तु एवं सेवाओं पर जो सहायता अनुदान प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं, सब्सिडी कहते हैं। यह कभी व्यक्ति विशेष किसी वर्ग विशेष या किसी अन्य आधार पर दी जाती है। ठीक, सब्सिडी किसी व्यक्ति की आय को बढ़ाकर व्यक्त करती है जबकि राष्ट्रीय आय को कम करती है। ये कौन सा लॉजिक आ गया, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। सब्सिडी व्यक्ति की आय को बढ़ाकर बताती है और राष्ट्रीय आय को क्या करती है, कम कर देती है। ये कौन सी लॉजिक है, चलिए आगे देखते हैं, को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपकी आप जैसे मेरी तरह 2000 रुपया महीना कमाते, 2000 रुपया महीना कमाया हमने, 700 रुपया का गैस भरवा लिया। ठीक, कितना, 700 रुपया का गैस भरवा लिया। अब सरकार ने मुझे 200 रुपया वापस कर दिया, ऐसे तो मेरी मेरा कितना होता, 1300 रुपया बचता, किंतु जब ये 200 रुपया मुझे वापस कर दिए मेरी बचत कितनी हो गई, माने मेरी आयु क्या करेगा, ये बढ़ाकर बताएगा। माने जो सब्सिडी होती है अब प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर व्यक्त करती, जबकि अब अगर इसके पास 700 रुपया गया, 200 रुपया हमको वापस कर दिया, क्या हुआ, तो जो सब्सिडी होती है वह देश की राष्ट्रीय आय को कम करती है और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाती। किसान के जितने भी काम होते हैं हर वस्तु पे सब्सिडी लगाई दी जाती है, हर वस्तु जितनी भी होती है। आज तक अभी तक की कोई सरकार आज तक बनी नहीं है, शायद भविष्य बनेगी, जो जो क्या करे उनसे सब्सिडी छीन ले। अगर सब्सिडी छीन लेगी आते हैं टैक्स की बात करते हैं, फिर दोनों को एक साथ मिला के पढ़ते हैं। अब दोनों अगर कंपेयर करते हैं तो एक होता है टैक्स, क्या होता है, आज आप लोग पढ़ रहे हैं 40,000 रुपया के लिए, सॉरी 40 का अभी तो 50,000 कुछ दिन बाद। ठीक, जब आप पर महीना 50,000 रुपया पाना शुरू करेंगे तो एक धारा 80 के तहत आपको क्या देना होगा, 80A के तहत आपको क्या देना होगा, कर देना होगा, टैक्स देना होगा। ये हर व्यक्ति को निर्भर करना होता है। ये टैक्स जो होता है वह आपकी आय को घटा के बताता है जबकि राष्ट्रीय आय को बढ़ा के बताता है। आपको तो लगता है कि हम महीना 60,000 रुपया कमा रहे हैं अध्यापक होने के बाद, कितना साल भर का 7,20,000 रुपया, और अगर पता चला 2,50,000 रुपया कर मुक्त 10 के बाद 2,50,000 के बाद जो होगा वो क्या होगा, कर के डालेगा। तो आपकी इनकम क्या हुआ, आप तो कहेंगे भैया 60,000 पाते हैं, साल का 7,00,000 हुआ, टैक्स का हुआ, आपकी आय, आपकी आय क्या करेगा, और इनकी आय। तो कर जो होता है व्यक्ति की आय को प्रति व्यक्ति आय को कम करता है और राष्ट्रीय आय को बढ़ा देता है। समझ रहा है, कर भी प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर में भी राज्य सरकार का अलग केंद्र सरकार का अलग, कभी कभी केंद्र सरकार वसूल के राज्य सरकार को देती है, राज्य सरकार वसूल के केंद्र सरकार को देती है, कभी कोई कर ऐसा है तो वसूलती राज्य सरकार देती केंद्र सरकार को। तो दोनों में प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर में भी कई प्रकार की है, लेकिन जो आयकर होता है वो आपका प्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर, अब प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर को मैं एक लाइन समझा दूंगा, आप लोग पकड़ लेंगे। जिस कर का निर्वहन कोई एक व्यक्ति करता है, ध्यान दीजिएगा, जिस कर की अदायगी एक व्यक्ति करता है और उसका वहन हर एक व्यक्ति जो उसका इस्तेमाल करता है वो करता है, उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। जैसे अब जैसे आप लोगों ने कोई क्रीम ले लिया, मान लीजिए कोई क्रीम की बात ले लें, हेरा लवली की बात, हेरा लवली कंपनी ने एक साथ 10,000 क्रीम बना दी, ठीक, उसके बाद पे रखी 20 रुपया, पता नहीं कितने का 20 रुपया रखा 20 रुपया रखा, ठीक, इसमें इसका प्रति ट्यूब 2 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स देना था, तो ये क्या करेगी, 2 रुपया के हिसाब से 10,000 ट्यूब का इकट्ठा क्या करेगी, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगी। मतलब जैसे ही कंपनी से डिस्पैच होगा या पैकिंग होगी इसमें एमआर पिटा होगा, सरकार क्या मिलेगा, तो हम टैक्स थोड़ी भरेंगे, ये यूज करेंगे, दिया कौन, एक व्यक्ति ने, लेकिन वहन कौन करेगा, जो जो उसको इस्तेमाल करेगा वो इसको क्या करेगा, टैक्स का वहन करेगा। ये कौन सा कर हुआ, आप कभी दिया है टैक्स, तुमने कोई इतने समय नहीं दिया ना,
दिया है नहीं दिया है क्या अरे साबुन लगाते हैं इंक्लूड आज टैक्स एमआरपी कितना रुपया तो अलग से टैक्स नहीं रिचार्ज को बंद रिचार्ज कराने जाते हैं उस रिचार्ज के बाद क्या आप अलग से कोई टैक्स देते हैं या पे करते हैं नहीं पे करते क्यों क्योंकि इंक्लूड होता ऑलरेडी वो दिखाई नहीं देता वाहन कोई देता कोई एक व्यक्ति है वाहन कौन करता है वे सारे व्यक्ति करते हैं जो इसका उपभोग तो आसानी से समझ सकते हैं और प्रत्यक्ष कर में डायरेक्ट कोई व्यक्ति विशेष देता है जैसे चुंगी रोका निकाल के दे दिया आयकर रोका दे दिया कस्टम ड्यूटी टैरिफ टैरिफ मतलब वो समझिएगा जो पहले जमाने मोबाइल के काल दर कम करने के लिए आता था ये सब इकोनॉमिक शब्दावली है ठीक सीमा शुल्क ये शुल्क कैसे तुरंत देने होंगे तब आपको मिलेगा तो ये सब कैसे करें अब दवा लिया मोबाइल खरीदे इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्स एमआरपी कितना होता है तो क्या दोस्तों में इंक्लूड होता तो क्या हो गया तो हमने क्या सीखा कि जो प्रति व्यक्ति आय होती है पर कैपिटल इनकम होती है उसमें जब टैक्स की बात करते हैं टैक्स प्रति व्यक्ति आय को कम करके बताता है जबकि देश की आय को और सब्सिडी इसका ठीक ठीक इसका उल्टा था ठीक अब आते हैं फिर टैक्स की बात और करते हैं अब अगर कर की बात करेंगे तो भारत का एक नियम है भारत के संविधान का एक नियम है टैक्स सदैव बड़े आदमी देते हैं बड़े आदमी माने आप अध्यापक होंगे 40,000 रुपए महीना पाएंगे टैक्स देंगे और उसका उपभोग कौन करेगा हम जैसे बेरोजगार लोग कैसे अब उसको समझ लेते हैं आपकी आय है 40,000 रुपया बूढ़े भारत आपने एक साल का टैक्स दे दिया मान लिया 30,000 रुपया कितना दिया आपकी आय बढ़ रही है टैक्स क्या हो रहा है हर साल टैक्स बढ़ रहा है आपकी आय बढ़ती गई टैक्स अब आप कोई भी सामान खरीदते हैं आप खरीदेंगे मान ली स्कूटी उसमें क्या देना होगा रोड टैक्स हम खरीदेंगे साइकिल टैक्स फ्री क्या है हम चलेंगे रोड पे और आप भी चलेंगे रोड पे आप देंगे आप लिए फोर व्हीलर हमने किस तरह जुटा के क्या लिया टू व्हीलर हम चलेंगे भाई चुंगी नहीं लगेगा आप क्या लगेगा चुंगी तो भारत का संविधान ये कहता है टैक्स सदैव बड़ा आदमी देते हैं बड़े आदमी का मतलब धीरूभाई अंबानी मुकेश अंबानी वो क्या करेंगे पेट करेंगे लेकिन जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर जाएंगे गल्ले की दुकान पे किसको मिलेगी गरीबों को मिलती है और टैक्स कौन भरता है टैक्स भरेंगे आप सब्सिडी आपको थोड़ी मिलेगी आप पुराने के अध्यापक हो जाएंगे सब्सिडी किसकी मिलेगी हम जैसे लोग इसको हम जैसे लोग को आप लोग क्या करेंगे टैक्स भरेंगे क्या भरेंगे तो ये भारत का नियम है भारत संविधान का नियम है जैसे कार वाला टैक्स भरता है साइकिल वाला अभी आपने क्या लिया सब डिजायर लिया आपने टैक्स दिया लेकिन हमने लोन पे ट्रैक्टर लिया किसान करेंगे क्या करेंगे बेरोजगार रहने पर ट्रैक्टर क्या है तो कहने का मतलब ऐसा है इस तरह से बनाया गया है कि जो कर की प्रणाली है ताकि अमीर आदमी और अमीर ना हो जाए गरीब आदमी और गरीब ना हो जाए इस कमी को दूर करने के लिए ऐसे रूल बनाए गए चाहे मनरेगा गोल खटने जाएगा भैया अध्यापक लोग जाएंगे कौन जाएगा मजदूर गरीब मजदूर गरीब व्यक्ति जाएगा अच्छा मनरेगा उसको वेतन मिलेगा 150 दिन का कहां से जाएगा आपको टैक्स अब गरीब आदमी टैक्स देता है लेकिन कैसे देता देखिए अब गरीब आदमी क्या उसको बतियाना हुआ रात को 10 रुपए रिचार्ज किया क्या किया 3 रुपया दिया टैक्स गवर्नमेंट को क्या दिया अब वो बेचारा रोटी खाएगा दूध तो आप जाएंगे 5 स्टार में वहां पे क्या दिया आप 500 रुपया खाओ आपने कितना दिया 20 रुपया बेचारा खाली गेहूं का रोटी खाया टैक्स फ्री इसलिए जो जीएसटी का बना इस बार देखिएगा शेड्यूल से ध्यान से देखिएगा 0% जो टैक्स स्लैब बने हैं टैक्स स्लैब के बारे में कल पढ़िए कल टैक्स स्लैब के बारे में चर्चा करेंगे जीएसटी से पछता सकते हैं क्योंकि अर्थशास्त्र आप में रखे हैं तो जीएसटी को हम एक बार बता देंगे टैक्स स्लैब को देखेंगे एक बात आपको भली बात समझ में आ जाएगी कौन कौन सी वस्तु गरीब यूज करने के लिए उस पर 0% टैक्स और जो आप जैसे लोग अध्यापकों की यूज करने के लिए है वो क्या है 28% और 18% ठीक इतने परसेंट पे है तो कहने का मतलब ये है गरीब और अमीर की खाई कम करने के लिए जो टैक्स स्लैब बनाए गए उसी तरह बनाए गए आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा जीडीपी एनडीपी जीएनपी एनएनपी राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय सब्सिडी और कर
समझ में आ गया? कोई क्रास क्वेश्चन? चलिए आप लोग बड़े आदमी बनिएगा, भगवान करे तरह बड़े आदमी, एक कर आप ज्यादा थे, टैक्स देना मतलब आप बड़े आदमी बन, ठीक। ये नहीं पसंद, नहीं देखा नहीं, जो हर तिमाही पेश होती है, ये मुझे भी नहीं पता, नहीं ये तिमाही भी जारी की जाती है, और ये भी बताएंगे इसका जो आंकड़ा होता है अश्व जारी करता है, अश्व, और ये तीन तिमाही होते हुए चार बार में चार तिमाही समीक्षा होती है और इकट्ठे चार वर्ष में जारी होती है। अब इसमें जीडीपी भी दो होती है, एक होती है विनिर्माण की, एक होती है सेवा क्षेत्र की, एक होती है आपकी प्राथमिक सेक्टर की, तो तीन अलग अलग होती है और फिर जाके इंक्लूड करके हम इकट्ठा देते हैं, फिर जीडीपी निकलने के बाद से जीएनपी एनएनपी और सारी चीजें हम आसानी से निकाल देते हैं। अब अगले क्लास में बस एक से दो टॉपिक और है, प्रमुख शब्दावलियों की चर्चा करके बाद आपको नोट्स दे देंगे। अगली बार जब लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे नीति आयोग, जिसका नाम पहले क्या था, योजना आयोग, योजना आयोग का नाम बदल क्या हो गया नीति आयोग, उसका छोटा सा मतलब 15-20 मिनट का लेक्चर लेके पूरा खत्म कर देंगे, कौन है क्या है नीति आयोग, काम क्या, योजना आयोग क्या है, क्यों बनाया गया, योजना आयोग का मुख्य काम क्या था, अगर योजना आयोग न बनाया जाता तो क्या होता, उसमें कुछ अनवरत योजनाएं थी, वह अनवरत योजनाएं क्या थी, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे कल आसानी से देखेंगे, और प्रयास से करेंगे कल तक बोर्ड जो आपका क्या डिजिटल हो जाएगा। मैं पूरे प्रयास में हूँ, अगर आप लोग आज मदद कर देंगे तो, आज नहीं करेंगे तो क्लास की टाइमिंग कम करके ठीक ठाक टाइम।